बिस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम आज के डेली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट आज हम देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया मार्केट कब कब ऊपर गई और इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर जो उनसे परफॉर्म कर रहे हैं इसकी सपोर्ट भी देखेंगे रेजिस्टेंस भी देखेंगे उसके बाद आने वाला व्यू भी डिस्कस करेंगे हमारे साथ रहिएगा वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो साथ लेके घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुई इसने लिटिल पॉजिटिव नोट लिया और इसने तकरीबन अपसाइड ली 46203 की 40203 की अपसाइड लेने के बाद ये एक दफा डाउन गई उसके बाद बहुत ज्यादा अप हुई जिसने एक होप दी कि मार्केट जोन्सी वो स्ट्रांग पोजीशन पे खड़ी है और 46358 के पॉइंट को टच करने के बाद दोबारा मार्केट उसी जोन में काफी अरसे तक घूमती रही प्लस जोन जुमे के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया जिसने मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट को तोड़ा और मार्केट जोन सी वो नीचे आ गई लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट जो बंद हुई वो पैंतालीस हजार आठ सौ के लेवल पे बंद हुई आज जो मार्केट में चेंज देखा गया वो तकरीबन दो सौ पॉइंट का आया जो कि पॉइंट है आज मार्केट में वॉल्यूम कल के नस्बत इंतहाई कम थे और मार्केट में वॉल्यूम तकरीबन 20 करोड़ के करीब रहे बावन वीक की हाई रेंज के करीब मार्केट तकरीबन खड़ी है और इसके अलावा अगर डब्ल्यू को देखा जाए तो आज एक दफ़ा फिर ये सात इशारिया नौ पाँच परसेंट डाउन हुआ और इसके अलावा टेली भी जोन सा वो माइनस साइड पे रहा ये तकरीबन छः इशारिया जीरो एक परसेंट डाउन साइड पे रहा और टीआरजी आज पॉजिटिव नोट में रहा सारा दिन अप डाउन करने के बाद पॉजिटिव नोट में बंद हुआ डीजी के सी आज फिर मार्केट में एक दफा हीरो के तौर पे सामने आया और इसने अपनी सेंटीमेंट्स को बरकरार रखा और पॉजिटिव जोन में ही रहा पी आई बी टी एल जो भी अपने कर बैठा और नीचे गिर के इसने अपनी पोजिशन डाउन साइड पे बना ली अब अगर हम आज के मार्केट के व्यू को देखें मार्केट का ओवर व्यू देखें तो के एस सी हंड्रेड आज भी आपको रेड जोन में नजर आ रहा है पॉइंट फाइव फोर परसेंट गिराने के बाद कमर्शियल बैंक आज फिर जो नेगेटिव जोन से वो में नजर आए इन्होंने 1.13 परसेंट मार्केट को गिराया तकरीबन तमाम के तमाम बैंक जोन से वो आपको मेजर बैंक तमाम के तमाम जोन से नेगेटिव जोन में नजर आ रहे हैं सिर्फ फैसल बैंक एक है जो जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिव चेंज आई एल्थ स्टैंडर्ड बैंक जोन से वो न्यूट्रल रहा बाकी तमाम जितने बैंक थे वो आपको नेगेटिव जोन में नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट सबसे ज्यादा प्रेशर का शिकार रही मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा चूंकि कमर्शियल बैंक का होता है तो जब कमर्शियल बैंक माइनस में होते हैं तो आपका इंडेक्स जो है वो आपको नेगेटिव जोन में नजर आता है इसके अलावा दूसरा बड़ा नंबर जो फर्टिलाइजर का होता है आज चूंकि फर्टिलाइजर भी आपको ज्यादातर जो बड़े शेयर होल्डर हैं जिसमें एंग्रो है एफ है ये आपको रेड जोन में नजर आ रहा है ई फर्ड जोन सा वो पॉजिटिव है एफ एफ बी एल जो पॉजिटिव जोन में नजर आ रहा है जबकि एफ एफ सी एल जो है वो आपको नेगेटिव जोन में नजर आ रहा है मजीद बरा हम देखें तो हमारी जो सी एक्सप्लोरेशन कंपनी वो सारी की सारी आई नेगेटिव जोन में थी जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर रहा और मार्केट आपको नेगेटिव जोन में नजर आई मार्केट का तीसरे बड़े स्टेक होल्डर आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं जब ये गिरती हैं तो मार्केट आपके नेगेटिव जोन में रहती है चौथे प्लेयर मार्केट के सीमेंट्स होते हैं और सीमेंट में सिर्फ आपको चिराठ सीमेंट माइनस जोन में नजर आ रहा है बाकी तमाम का तमाम सीमेंट आपको ग्रीन जोन में नजर आ रहा है लकी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसके बाद डीजी के सी फिर, MLC, फिर FCCL, और सीमेंट इसके अलावा बाकी जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आज पॉजिटिव में रही सिर्फ पीटीसी के अलावा आपके बाकी तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज आपको पॉजिटिव जोन में नजर आ रही है टीआर जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था और उसके बाद सिस्टम लिमिटेड सेकेंड नंबर पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन में नजर आ रहा है बाकी आपकी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यह भी नेगेटिव जोन में रही, यह भी आपकी रेड साइड पर रही कैपको में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई कैल में प्रॉफिट टेकिंग हुई हपको में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई और इसमें 1.85 परसेंट का चेंज आया जो कि इंडेक्स के, के सैंतीस शर्या जीरो दो पॉइंट गिराने का सबब बना केल जोन सा वो तकरीबन माइनस फाइव पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट इंडेक्स के गिराए और इसमें जो चेंज है वन 0.85% परसेंट का आया अब अगर नेक्स्ट देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में पीएसओ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा मार्केट को गिराने में जो जिसमें चेंज आया 0.77% का आया और इंडेक्स में इसने 9.30 पॉइंट तोड़े एसएनजीपी प्लस में नजर आ रहा है एसएलजीसी ये भी प्लस में नजर आ रहा है गैस की कीमतों में 2% गफा हो रहा है तो जिसकी वजह से आपका एसएनजीपी और एस एस जी गैस में दो परसेंट इजाफा होने की वजह से आपको प्लस साइड पर नजर आ रहे हैं एस जितनी भी आपकी मार्किंग मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आपको नेगेटिव जोन में ही नज़र आ रही हैं फार्मास्यूटिकल में आज अच्छा इजाफा देखा गया फार्मास्यूटिकल में ए जी ये दोनों पॉजिटिव साइड पर रहे जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल आपको ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं जबकि एबर्ट ने और सरले ने इन दोनों ने मार्केट में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की जबकि जी एस के सी एच ये भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में रहा हाई नोन न्यूट्रल ला इसने ना कोई प्रॉफिट दिया ना लॉस किया और मार्केट में गलेक्सो और ए जी पी के पॉइंट ज्यादा होने की वजह से फार्मास्यूटिकल आपको ग्रीन जोन में नजर अब आपका मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट अब तक, तक तकरीबन सोलह सौ सो पॉइंट की कुरेक्शन ले चुकी है मार्केट इस हफ़्ते के दौरान जो ये हफ्ता स्टार्ट हुआ सा इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 1609 पॉइंट की कुरेक्शन ले चुकी है मार्केट 1600 पॉइंट नीचे आ चुकी है देखने में आपके कुछ सेक्टर जोन से वो मजबूत लगे कुछ सेक्टर्स नीचे आए कुछ सेक्टर्स ने मार्केट को संभाला रखा लेकिन मार्केट एक हफ्ते के दरमियान तकरीबन सोलह पॉइंट की कुरेक्शन ले चुकी है जो मार्केट के लिहाज से हेल्दी कुरेक्शन है हेल्थी कलेक्शन के इस लिहाज से चूंकि मार्केट जो है वो ठंडी हो, हो रही है मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है जिसकी वजह से मार्केट में नए माके रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं अब मार्केट जिस पॉइंट पे है ये अपने सेकेंड बॉटम को टच करने वाली है अगर आप गौर करें तो ये ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम जहाँ से मार्केट उठी थी अब इस बॉटम को तकरीबन टच करने वाली है अगर मार्केट अपने इस बॉटम पे आती है तो पैंतालीस हज़ार सात सौ के ऊपर ये बॉटम बनता है जिसको टेस्ट करके मार्केट वापस रिटर्न हो सकती है तो ये जो मार्केट ने कर्व बनाया है ये कर्व यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है जिसके बाद मार्केट जोन से वो अप साइड पर जाने की पोजिशन रखती है और मार्केट में एक हेल्दी मोमेंटम आपको नज़र आ सकता है अब मार्केट में जो पहली सपोर्ट आपको मिल रही है वो पैंतालीस हजार सात सौ के ऊपर मिल रही है और इसके बाद नीचे जो सपोर्ट आपको पैंतालीस हजार पे जाके मिलेगी मार्केट की जो पहली रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस है अगर हम छोटी छोटी रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो मेन रेजिस्टेंस मार्केट की छियालीस हजार पे बनेगी उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस छियालीस हजार दो सौ के ऊपर बनेगी जिसके बाद मार्केट जोन से वो ऊपर की तरफ जाने की सलाहियत रखती है मार्केट का मोमेंटम इस टाइम पे जैसे लास्ट मार्केट का मोमेंटम इस टाइम पे जैसे बिल्कुल आखिर में आपने देखा बाइंग को देखा उसमें बाइंग जनरेट हुई ये बता रही है कि अब आने वाला वीक जोन सा है वो आपका अच्छा दिख रहा है मार्केट के सेंटीमेंट जोन से वो मजबूत हो रहे हैं मार्केट में तमाम स्टॉक एकदम नीचे नहीं आ रहे बल्कि वो स्टॉक जो हेल्दी स्टॉक हैं जो इंडेक्स पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं वो मार्केट को नीचे लाने का सबब बन रहे हैं लेकिन कुछ स्टॉक अभी भी मार्केट में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं इस मौके पर टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत लग रही है सीमेंट बहुत मजबूत लग रहा है आने वाले वक्त में स्टील मजबूत हो सकता है तो ये ऐसे सेक्टर हैं जो मार्केट को संभाल सकते हैं और मार्केट को अप साइड पर ले जाने की पूरी ताकत रखते हैं मार्केट अच्छी है मार्केट के साथ पॉजिटिव रहिएगा आने वाले वक्त में मार्केट आपको बहुत अच्छा गेन देगी तो बी पॉजिटिव विद मार्केट अब इस दवा के साथ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे इजाजत दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को नई वीडियो तक इजाजत अल्लाह हाफिज व